रूस और यूक्रेन की जंग ऐसे खतरनाक मोड पर पहुंच चुकी है जहां बातचीत से इसे रोकने का रास्ता विफल होते नजर आ रहा है। यूक्रेन के कीव और खार्किव में हालात संभलते नजर नहीं आ रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का कहना है, देश के लिए अगले 24 घंटे बहुत अहम है। इस बीच रूस ने यूक्रेन को जवाब देने के लिए अपनी न्यूक्लियर फोर्स को हाई अलर्ट पर रख दिया है। आर पार की इस लड़ाई के बीच चर्चा है कि रूस दुनिया का सबसे घातक परमाणु हथियार फादर ऑफ ऑल बम का इस्तेमाल कर सकता है। इसे थर्मोबैरिक बम भी कहा जाता है। रूस के हमला करने के बाद यूक्रेन भी डट कर सामना कर रहा है। हालांकि रूस की सेना यूक्रेन पर भारी पड़ रही है, वह लगातार सीमा से देश की अंदर की तरफ बढ़ रही है, लेकिन यूक्रेन भी झुकने को तैयार नहीं है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि रूस दुनिया के सबसे शक्तिशाली बम का इस्तेमाल कर सकता है, जिसे फादर ऑफ ऑल बम कहा जाता है। रूस के पास दुनिया का सबसे घातक फादर ऑफ ऑल बम मौजूद है। हालांकि यह गैर परमाणु बम है, लेकिन दुनिया में काफी शक्तिशाली माना जाता है। इसे एविएशन थर्मोबैरिक बम ऑफ इंक्रीज्ड पावर भी कहा जाता है। इसे रूस ने 2007 में बनाया था। यह एक बार में ही करीब 44 टन टीएनटी की ऊर्जा निकलती है और 300 मीटर के क्षेत्र का इलाका जलकर खाक हो जाता है। इस बम का वजन करीब 7000 टन है। इसे जेट से गिराया जाता है और हवा के बीच में ही विस्फोट करता है। जानकारों का मानना है कि इसका इस्तेमाल सीरिया में भी किया गया था। ऐसे में यूक्रेन को युद्ध में घुटने टेकने के लिए मजबूर करने के लिए इस बम से धमाका किया जा सकता है। यह मनोवैज्ञानिक हथियार है। इसे जहां एक तरफ बड़े पैमाने पर लोग हताहत होंगे, वहीं दूसरी तरफ टैंकों को भी नुकसान होगा। फादर ऑफ ऑल बम हवा में मौजूद ऑक्सीजन का इस्तेमाल अधिक शक्तिशाली विस्फोट के लिए करता है। इसका प्रभाव एक छोटे परमाणु बम की तरह होता है। जब यह बम फटता है तो बहुत अधिक तापमान या ऊर्जा निकलती है। ऐसे में यह पारंपरिक बमों की तुलना में कहीं अधिक स्तर पर तबाही मचाता है। रूस ने फादर ऑफ ऑल बम को अमेरिका के मदर ऑफ ऑल बम की तर्ज पर तैयार किया है। अमेरिका ने मदर ऑफ ऑल बम के परीक्षण 2003 में किया था। इसका आधिकारिक नाम GBU-43/B है। यह बम ताकत के मामले में रूस के बम से कहीं पीछे है। इसका वजन करीब 10,000 किलोग्राम है और यह करीब 11 TNT की ताकत से धमाका करता है। इसके विस्फोट से 150 से 300 मीटर तक का क्षेत्र तबाह हो सकता है। अमेरिका ने 2017 में अफगानिस्तान में मदर ऑफ ऑल बम का इस्तेमाल किया था। वही साल रूस ने भी सीरिया में फादर ऑफ ऑल बम का इस्तेमाल किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रूसी सेना ने परमाणु बम गिराने वाली तोप को तैनात कर दिया है। परमाणु बम दागने में सक्षम तोप 2S7 पियोन को यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव के पास स्थित सीमा पर तैनात किया गया है। यह तोप 37 किलोमीटर तक परमाणु बम से भरे गोले दाग सकती है। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि रूस किसी भी वक्त यूक्रेन में फादर ऑफ ऑल बम का इस्तेमाल कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मृदुभाषी न्यूज। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।